हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिलकेत शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल ओरेकल टेक इंडिया पे स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा यूनिक्स कमांड्स पे फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंटफ, बीसी और स्क्रिप्ट जैसे कुछ और यूनिक्स कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। प्रिंटफ कमांड, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हमारे पास यूनिक्स का जो फर्स्ट कमांड है उसका नाम है प्रिंटफ कमांड। तो आइए देखते हैं कि प्रिंटफ कमांड का क्या यूज़ है। तो दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द गिवन स्ट्रिंग नंबर और एनी अदर स्पेसिफायर ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। इस कमांड का यूज़ करते हैं हम किसी मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए, किसी गिवन स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराने के लिए, किसी नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए, या फिर किसी स्पेसिफायर को डिस्प्ले कराने के लिए। स्पेसिफायर आगे के लाइंस में आपको समझ में आएगा। तो इट वर्क्स सेम वे एज प्रिंटफ वर्क्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी। तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज में जो प्रिंटफ का काम होता है सेम वही काम जो है यूनिक्स के इस प्रिंटफ का है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर किसी मैसेज को, किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होता है तो वहाँ पर हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम कोई मैसेज या कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंटफ का यूज करते हैं। प्रिंटफ कैन हैव फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एस्केप सीक्वेंसेस और ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स। तो प्रिंटफ कमांड के साथ हम कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगा सकते हैं। वो क्या होता है वो नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। एस्केप सीक्वेंसेस लगा सकते हैं, ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स लगा सकते हैं। तो प्रिंटफ स्पेसिफायर्स क्या होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, वो होते हैं परसेंट एस। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले कराना है तो आपको उसे डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट एफ के साथ परसेंटेज एस भी टाइप करना पड़ेगा। कोई कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो परसेंटेज सी। कोई इंटीजर वैल्यू को प्रिंट या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो परसेंटेज डी। और किसी फ्लोट वैल्यू को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वहां पर प्रिंट एफ कमांड के साथ परसेंट एफ टाइप करना पड़ेगा। तो अब एग्जांपल में देखते हैं कि प्रिंट एफ कमांड को यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे आप, वहां पे कमांड को टाइप करेंगे printf, और उसके बाद आपको मैसेज प्रिंट कराना है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में आप उस मैसेज को लिख देंगे। तो जैसे कि मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ, एंटर फाइल नेम, आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। तो मैंने एंटर फाइल नेम लिखा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो मैसेज है ये नए लाइन में दिखाए। जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं जो भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसी कमांड के आगे मेरा मैसेज प्रिंट ना करा करके नेक्स्ट लाइन में मेरा मैसेज प्रिंट कराए, तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन को टाइप करना होता है और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर लिखना नहीं है, एंटर प्रेस करनी है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आपका एंटर फाइल नेम ये वाला मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पर मैसेज जो है वो एंटर फाइल नेम है और डॉलर प्रॉम्प्ट जो है आपका न्यू लाइन में दिखाई देगा। तो मतलब आपका फाइल नेम, एंटर फाइल नेम जो है वो नई लाइन के साथ दिखाएगा, डॉलर प्रॉम्प्ट उससे पहले लगा हुआ होगा। तो इस तरीके से ये जो है प्रिंटफ का यूज करते हैं हम मैसेज को प्रिंट करने के लिए। अब हम चाहते हैं किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए। स्ट्रिंग और मैसेज एक ही होता है, बट अगर हम किसी मैसेज को किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके डायरेक्ट
प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए परसेंट एस जो स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफायर लगाया जाता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मैसेज को किसी वेरिएबल में स्टोर करके और उस मैसेज को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर परसेंट एस आपको स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। तो जैसे नीचे के एग्जाम्पल में हम इसको समझते हैं। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया तो यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके मैंने उस वेरिएबल का नाम लिखा, टेस्ट लिया मैंने वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी कैट मैट कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, एक मैसेज को स्टोर कर दिया। डबल इन्वर्टेड कोमा में जा करके मैंने लिखा दिस इज़ ए टेस्ट और इसको लिख करके एंटर प्रेस कर दी तो मेरा ये जो स्ट्रिंग है, ये जो मैसेज है, ये टेस्ट नाम के वेरिएबल में आ गया। अब हम टेस्ट नाम के वेरिएबल को जब हम प्रिंट कराएंगे तो टेस्ट नाम के वेरिएबल को जब हम प्रिंट कराएंगे तो चूंकि टेस्ट नाम के वेरिएबल में हमारा पूरा स्ट्रिंग है, पूरा मैसेज है, तो इस तरीके के मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट एफ के साथ परसेंट एस स्पेसिफायर लगाना पड़ता है। और ऊपर वाले केस में क्या था कि एंटर फाइल नेम को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया था, डायरेक्ट हमने इसको डिस्प्ले कराना चाहा, तो डायरेक्ट डिस्प्ले कराना हो तो प्रिंट एफ के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा में उस स्ट्रिंग या उस मैसेज को लिख करके हम डायरेक्ट जो है डिस्प्ले या प्रिंट करा सकते हैं। बट अगर किसी वेरिएबल में हमने कोई मैसेज स्टोर कर दिया उसके बाद उस मैसेज को हम प्रिंट या डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परसेंट एस होता है आपका जो है स्ट्रिंग वैल्यू के लिए या फिर मैसेज के लिए, तो वो स्पेसिफायर आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेस्ट नाम के वेरिएबल में मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में एक स्ट्रिंग या एक मैसेज डाल दिया दिस इज ए टेस्ट और उसके बाद मैंने यूनिक्स कमांड पे प्रिंट एफ कमांड लिखा और उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में परसेंट एस लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि नए लाइन में परसेंट एस जो भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करे वो नए लाइन में शो करे, तो स्लैश एन लगा दिया और डबल इन्वर्टेड को बंद करके अब मैंने जो टेस्ट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए डॉलर उसके साथ लगाते हैं तो मैंने टेस्ट के साथ डॉलर लगा के एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे पास आउटपुट में आ गया दिस इज ए टेस्ट। अगर इसको किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके डायरेक्ट हमें दिस इज ए टेस्ट मैसेज प्रिंट कराना है तो हम सीधे जैसे एंटर फाइल नेम किया है वैसे ही हम जा करके डबल इन्वर्टेड कोमा में दिस इज ए टेस्ट लिख करके हम प्रिंट एफ कमांड के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो डायरेक्ट मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके इस मैसेज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए परसेंट एस स्ट्रिंग स्पेसिफायर को यूज करना पड़ता है। तो ये था प्रिंट एफ का दूसरा यूज। अब प्रिंट एफ का हम तीसरा यूज देखते हैं कि मान लीजिए कि हम किस कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स के किस कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उस कमांड प्रॉम्प्ट का जो है हमें नाम जानना है, मतलब कौन सा शेल यूज कर किस शेल में हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर रहे हैं तो उस शेल को जानना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डॉलर डॉलर के साथ प्रिंट एफ कमांड लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम अपना मैसेज जो डालना चाहते हैं मैसेज डालेंगे माई करंट शेल इज, और जो है शेल में कौन सा पाथ स्टोर है उस पाथ को प्रिंट कराने के लिए डॉलर लगाएंगे। तो मैंने क्या किया डबल इन्वर्टेड कोमा में एक मैसेज डाल दिया माई करंट शेल इज ये, और चूंकि शेल के अंदर पाथ जो है उस पाथ को हमें प्रिंट कराना है इसलिए डॉलर लगाना पड़ रहा है और वो एक स्ट्रिंग है इसलिए परसेंटेज एस लगा करके डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दिया और स्लैश एन मैंने इसलिए लगाया ताकि मेरा जो आउटपुट है वो न्यू लाइन में आ जाए और एंटर प्रेस किया मैंने
तो क्या किया इसने, माई करंट शेल इज, ये तो आपका मैसेज हो गया, और शेल की जो सेल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, यानी कि जिस शेल पे, जिस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम वर्क कर रहे थे, उस कमांड प्रॉम्प्ट का, उस शेल का ये पाथ आ गया, स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश बैश। तो इस तरीके से हम जो है किस शेल प्रॉम्प्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो डॉलर शेल, उस शेल शेल लिख करके डॉलर के साथ हम ये वाला पूरा का पूरा जो है प्रिंटेफ के साथ ये वाला पूरा यूज करेंगे, तो हम ये भी जान सकते हैं कि हम किस शेल में काम कर रहे हैं। तो माई करंट शेल क्या है, यहाँ पर मैसेज है। परसेंट एस क्या है, फॉर स्ट्रिंग प्रिंट, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, कौन से स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए, स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश, ये पूरा एक स्ट्रिंग है इसको प्रिंट कराने के लिए। और शेल की वैल्यू के लिए यहाँ पर स्लैश यूजर स्लैश बिन स्लैश बेश, ये सेल की वैल्यू है। तो इस तरीके से प्रिंटेफ को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है बीसी कमांड। तो आइए देखते हैं कि बीसी कमांड का क्या यूज है। तो बीसी कमांड इट इज द कैलकुलेटर, यानी कि बीसी कमांड जो है ये एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की तरह काम करता है ये। इट ट्रंकेट्स द डेसिमल पोर्शन, ये डेसिमल पोर्शन को भी ट्रंकेट करता है। कैसे करता है तो नीचे इसको समझेंगे। टू इनेबल फ्लोटिंग पॉइंट यू हैव टू सेट स्केल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट को सेट करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी हम नीचे देखेंगे। और बीसी कमांड को क्विट करने के लिए हम सिंपली प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल दबा करके डी प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली चार तरीके से बीसी कमांड का यूज़ हुआ है, तो एक एक करके देखते हैं। लेट सपोज हमें कोई दो वैल्यूज को आपस में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके बीसी लिखेंगे, और बीसी लिखने के बाद उस दो वैल्यू को यहाँ रख करके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आउटपुट हमारा जो दिखाएगा वो दोनों को ऐड करके दिखाएगा। तो यहाँ पे 12 5, 12 और 5 17 होते हैं, तो 12 प्लस 5 इक्वल टू 17, तो ये 17 शो कर रहा है। उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो डॉलर कमांड यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके बीसी टाइप करेंगे और दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिख करके एंटर प्रेस करेंगे, तो उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो 12 इंटू 12 इक्वल टू 144, तो 144 वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था ऊपर कि बीसी कमांड क्या करता है, इट ट्रंकेट्स द डेसिमल पोर्शन। तो डेसिमल पोर्शन को ये कैसे ट्रंकेट करता है, तो यहाँ पर समझते हैं, इस वाले एग्जाम्पल में समझते हैं। तो वही यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके बीसी कमांड टाइप करना है और उसके बाद डिवीजन करना है, दो वैल्यू को रखना है और डिवाइड का साइन लगाना है। तो डिवाइड का साइन लगाएंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे करा 9/5, तो इसने क्या किया, 1 शो कर दिया, क्योंकि जो है इट ट्रंकेट्स द डेसिमल पोर्शन, तो ये डेसिमल पोर्शन को क्या किया इसने, ट्रंकेट कर दिया, यानी कि 5 एकम 5 और उसके बाद 5 दूनी 10, तो 10 9 से ज्यादा चला गया, तो 10 9 से ज़्यादा चला गया, तो यहाँ पर जो है डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो डेसिमल को क्या किया इसने, ट्रंकेट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो बीसी कमांड क्या करता है, डेसिमल पोर्शन को ये
ट्रंकेट कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बीसी कमांड जो है इसका फोर्थ यूज़ देख लेते हैं कि अगर हम स्केल को सेट करना चाहते हैं, स्केल को सेट करने का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू वो और कितनी डिजिट और शो करे, उसके लिए हम स्केल इक्वल टू जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो सेट करना पड़ता है। लेट सपोज हमने दो सेट कर दिया, तो यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जा करके बीसी कमांड को टाइप करके नीचे मैंने स्केल इक्वल टू 2 कर दिया और उसके बाद 17/7 को मैंने जब डिवाइड किया तो इस तरीके से डिवाइड करने के बाद जो है पॉइंट के बाद, चूँकि हमने स्केल के बाद 2 डिजिट मतलब 2 सेट किया हुआ है, तो पॉइंट के बाद जो है 2 डिजिट एक्स्ट्रा दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो है 1 कर दूँ तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट दिखाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट दिखाएगा। और अगर हम स्केल अप बिल्कुल सेट नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा कि पॉइंट के बाद वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, मतलब डेसिमल पोर्शन को वो ट्रंकेट कर देगा। तो जैसे 9/5 के केस में क्या हुआ है कि 5 × 5, ठीक है, अगर 5 × 10 करेंगे तो 9 से ज़्यादा वैल्यू आ गई, तो 5 × 5 एक आउटपुट आ गया। और चूंकि अब आगे डिवीज़न करने के लिए एक पॉइंट लगा करके फिर जो है जो हमारा शेष बचेगा वो 4 बचेगा, तो पॉइंट लगा करके हम एक 0 बढ़ाएंगे तो 4 × 0 = 40, तो 5 × 8 = 40, तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि 0.8 अगर हम स्केल सेट नहीं करते हैं तो 0.8 शो ही नहीं करेगा। इसी को बोला गया है कि डेसिमल पोर्शन को ये क्या करता है, ट्रंकेट कर देता है। तो ये था बीसी कमांड का यूज़। हालांकि इस कमांड का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा इजी था समझने में, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। और उसके बाद आप बीसी कमांड से बाहर आना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा करके डी प्रेस करेंगे तो आप यूनिक्स के नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है स्क्रिप्ट कमांड, जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट यूनिक्स कमांड है। तो आइए देखते हैं कि स्क्रिप्ट कमांड का क्या यूज़ है। तो स्क्रिप्ट कमांड जो है इट रिकॉर्ड्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए यूज़र इन ए सेपरेट फाइल। तो जब हम यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे स्क्रिप्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं तो उसके बाद जो है यूज़र कोई भी एक्टिविटी यूनिक्स कमांड पे करता है, कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करता है, कोई भी प्रोग्राम्स को रन करता है, तो उसकी सारी एक्टिविटी जो है एक स्क्रिप्ट नाम के फाइल में जो है रिकॉर्ड हो जाती है। तो स्क्रिप्ट कमांड का बेसिकली यही यूज़ है कि यूज़र ने यूनिक्स कमांड पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की है तो उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है देखने के लिए स्क्रिप्ट कमांड या फिर सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रिप्ट कमांड को यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट कमांड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली यूनिक्स प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, वहाँ पर स्क्रिप्ट कमांड को टाइप करेंगे और सिंपली एंटर प्रेस करनी है, एंटर लिखना नहीं है। तो प्रेस करते ही एक मैसेज शो करेगा कि स्क्रिप्ट स्टार्टेड, और उसके बाद उस यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे लेट सपोज मैंने ls कमांड एग्जीक्यूट कर दिया, फिर एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने एग्जीक्यूट कमांड को एंटर करके जो है यूनिक्स प्रॉम्प्ट से बाहर आ गया, तो ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने की है वो सारी एक्टिविटी जो है उस स्क्रिप्ट नाम के फाइल में, जो स्क्रिप्ट मैंने रन की थी, तो एक जो है हमारे डायरेक्टरी में जो है
एक स्क्रिप्ट नाम के फाइल को जनरेट कर देगा और उस स्क्रिप्ट नाम के फाइल में सारी एक्टिविटी नोट हो जाएगी। तो हम उस डायरेक्टरी में जा करके, होम डायरेक्टरी में जा करके स्क्रिप्ट नाम के फाइल पे क्लिक करके देखेंगे तो उसमें सब कुछ ये रिकॉर्ड होकर के आएगा कि डॉलर प्रॉम्प्ट पे ls कमांड लिखी गई है, फिर एंटर प्रेस किया गया, फिर एग्जिट कमांड को रन किया गया। तो ये सारी एक्टिविटी हम उस स्क्रिप्ट फाइल जो क्रिएट हुई है उसमें देख सकते हैं। तो आउटपुट में क्या है, सी द रिजल्ट इन टाइप स्क्रिप्ट फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड। तो स्क्रिप्ट नाम की फाइल जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो उसको जा करके खोलेंगे तो यूजर की सारी एक्टिविटी उसमें शो करेगा। तो बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में जो है इतना ही था हमारा, बाकी के जो है कमांड्स को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू एंड बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।